तो दोस्तों जितने भी हमारे कानपुर वाले भाई लोग हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। दुकान का नाम आप लोग देख सकते हैं, स्वागत ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम आए हैं ओपनिंग में, भाई ने दुकान की ओपनिंग कराई है। ये हैं दुकान के ऑनर, हमारे परम मित्र, बचपन के दोस्त सुजीत नाम है इनका, और आज भाई ने ओपनिंग रखी है। दुकान का नाम है स्वागत ट्रेडर्स। तो दोस्तों आप लोग उल्टा दिख रहा है, दोस्तों यहाँ से उल्टा दिख रहा है लेकिन सीधा आपको दिखा देंगे वीडियो में। नई ओपनिंग करी भाई ने। तो दोस्तों आपको हर जगह से कम रेट में दोस्तों सरिया मिलेगी। तो दोस्तों ये दुकान है कल्याणपुर, लोकेशन क्या है? लोधर रोड नानकारी कानपुर में। दोस्तों जिस किसी को भी सरिया चाहिए, लेंटर डलवाना है, भाई से कांटेक्ट करें, कम रेट में अच्छी सरिया आपको मिलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग वजन में मार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको अच्छे रेट में बढ़िया सरिया मिलेगी। तो दोस्तों दुकान की ओपनिंग के साथ साथ हम लोगों ने कराया भंडारा, सभी लोगों को प्रसाद बांटा और दिन भी बहुत अच्छा था। और ये खड़े हैं हमारे मित्र, बहुत खुश हैं, आज खुशी का माहौल है। दुकान का नाम भी बहुत अच्छा चुना है इन्होंने, स्वागत ट्रेडर्स। दोस्तों इन्होंने 60 लाख का माल भरा है और बिल्डिंग बनवाई, जगह ली, कम से कम 1 करोड़ के पार इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो इनकी आय का स्रोत अब यही है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आपके 1 लाख से किसी के बिजनेस बढ़ोतरी होती है तो दोस्तों आपको इस वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद हर कोई यही उम्मीद करता है कि इसकी दुकान अच्छी चले, लोग आए, ज्यादा से ज्यादा आए, उसका बिजनेस हो। और लोकेशन भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी आउट लोकेशन भी है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक जानकारी पहुंचे, लोग यहां पर आए, भाई के बिजनेस को सफल बनाएं। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब हर कोई करना चाहता है, बट बिजनेस के लिए दोस्तों जिगरा होना चाहिए और पैसे होना चाहिए। तो भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो हम लोगों का काम है भाई को दबा के सपोर्ट करें दोस्तों। और तुमने भंडारा खा रहे हो? खाएंगे यार, वो भी खाएगा तो खाएंगे। अगर आप बांट के थक गए हो काफी? हाँ यार, पैर दर्द होने लगे। तो चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए चलते हैं दुकान के अंदर। और यह है दोस्तों वजन करने वाली मशीन, आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों मशीनें कितनी महंगी आती हैं। और ये हम लोगों ने फ्रंट पे रखा है काउंटर, और पूजन कराकर हम लोग फुर्सत हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को स्टॉक दिखाते हैं। ये दोस्तों 60 लाख का माल अभी रखा हुआ है और कुछ माल अभी आना है, तो ये इतना स्टॉक अपने पास है। और भाई से बात करते हैं और पूछते हैं दोस्तों हमारे पास किस किस टाइप की सरिया हैं और किस किस वैरायटी की सरिया मौजूद है हम लोगों के पास। और दोस्तों जो ये सरिया का ब्रांड है, ये सिग्मा 550 है दोस्तों, एक नंबर दोस्तों सरिया है। तो सारी अपने पास सिग्मा 550 है। ये सिग्मा का बोर रखा हुआ है, ब्रांड लगा हुआ है दोस्तों, आप ब्रांड देख सकते हैं। ये देखिए इसके कितने, देखिए कितने सारे, ये सिग्मा 5। तो अपने पास सारा पूरा ब्रांड सिग्मा का मिलेगा है? है, और कौन कौन सा ब्रांड अपने पास? अपने पास गैलेंट भी है, गैलेंट भी है, सिग्मा है, रोंगटा है, रोंगटा भी है। अच्छा, तीन ब्रांड अपने पास। तो भाई यहाँ पर तीन ब्रांड आपको मिलेंगे, और कई भी दुकान पे आप रेट पता कर लो, किसी भी दुकान पे उससे कम रेट में आपको मिलेगी सरिया दोस्तों यहाँ पे। और पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। ये हमारे परम मित्र हैं जिन्होंने आज ओपनिंग करी है, और हम लोगों का सहयोग भी रहा। और सुबह हम लोग आ गए थे, भंडारा अंडारा कराया, और उसके बाद अब हम लोग भी भंडारा अंडारा खाएंगे। थोड़ा सा प्रसाद ले लो, ले आओ। हाँ भैया, खा ले बैठ के, साई पनीर है यार। हाँ भैया भंडारा खा लो। हाँ भैया, और भैया ले लेना। लो छोटू, हाँ छोटू छोटू ले लो। ये देखो हमारे प्रसन्न द्वारे जी भंडारा देखते हैं। अरे ये अंकल ही खा लो। देखो भैया कितनी मेहनत से खाना खिला रहे हैं। तो हम तो भगवान से यही कामना करते हैं, जो इन्होंने दुकान खोली है तो भगवान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। जय बाबा की। आओ।
सबको रुक रुक मेरा खिलाया जा रहा है गरम गरम दो भैया सबको गरमा गरम पूरी खा भैया यार भंडारा हो रहा सारे सब काम हो रहे बस हमें एक ही चीज खराब लगती है सब भंडारा खा रहे बस गाय माता ऐसे देखो भटक रही हैं इन लोगों का इंतजाम और होना चाहिए जो कहते दर दर भटक रही हैं डंडे का भी इंतजाम किया गया इन लोगों के लिए बस यही चीज़ खराब लगती है इनका भी कुछ इंतजाम होना चाहिए दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों शेयर करो योगी जी महाराज जिससे इनका भी कुछ बंदोबस्त हो पाए राम तो अपने महल में आ गए हैं लेकिन अब इनका भी इंतजाम होना चाहिए कि बहुत दिन हो गए हैं देखो इनको लोग भगा रहे हैं प्रताड़ित कर रहे हैं और डंडा भी खा लिया। तो भैया लमसम भंडारा समाप्त होने की आ चुका है और ये हम लोगों ने 11 बजे शुरू करा दिया था और इस टाइम टाइम हो चुका है शाम के 5 बराबर कंटिन्यू भंडारा चल रहा है बिना किसी रुकावट के और हम लोगों ने दिल खोल के लोगों को खिलाया जितने भी भूखे लोग थे सभी लोगों को भंडारा दिया और हम लोगों ने भी खा लिया है मैंने भी खा लिया है राइट टाइम है एकदम पेट से डर तो भैया हमले में सब लोगों को खाना खिला दिया था इंसानों को जानवरों को लास्ट में बचे थे चील कौवे कुत्ते ये लोग भी बहुत भूखे थे तो इन लोगों को भी खाना डाल दिया है क्योंकि एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ पर हम लोग सबकी चिंता करते हैं वो कहते हैं ना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए तो एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ पर हमको सबकी चिंता रहती है जब हम सबको खिला देते हैं इसके बाद ही हम खाना खाते हैं तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो करें लाइक चैनल को करें सब्सक्राइब और भाई के बिजनेस को नई उड़ान दें जय श्री राम जय महाकाल मेरे दोस्तों।